सुंदर रूप विशेष सांवरे केश छटा छवि प्यारी चली पतिव्रता नारी के उग्र शैनी घर वाली इधर रानी शैलियों के साथ में लेकर के चली है। सुंदर रूप विशेष सांवरे केश छटा छवि प्यारी छटा छवि प्यारी चली पतिव्रता नारी के उग्र शैनी घर वाली पहुंची बन में आए सकिन ले आए संग में आई संग में आई बगिया में खिल रहे फूलक कोयल भैया न्यारी इधर हुआ ऐसा पवर्य का शैलियों को साथ में लेकर के चली है और जा करके एक वन के बीच में पहुंची। जैसे ही एक वन के बीच में पहुंची उस वन की सुंदरता को देख करके पवन रेखा बहुत प्रसन्न है। इधर हुआ ऐसा कुछ समय तक घूमती रही और हुआ तब तक ऐसा जो सात की सहेलियां थी उनका साथ छूट जाता है। जैसे ही रानी पवन रेखा का साथ छूटा अकेली रह जाती है। जब वो अकेली रह गई तो हुआ ऐसा वो चिल्लाने लगी है कि इस जंगल में मुझे अकेला कहां पर छोड़ करके चली गई, अरे यहां पर हमें कोई खा जाएगा, हमारी कोई रक्षा करो। जैसे ही इतनी आवाज लगाई है तो हुआ ऐसा उस वन के बीच में एक दुर्मिलक नाम का राक्षस रहता था। जब दुर्मिलक नाम का राक्षस रहता था तो वो सोचने लगा है कि हम अगर इसके सामने जाएं तो कैसे जाएं? अगर मैं इस राक्षसी रूप में जा रहे हैं तो पता नहीं कैसा मूड बदले कैसा नहीं, और ये देखने में बहुत सुंदर है, हमें इसके साथ छल करना चाहिए। हुआ ऐसा इधर पवन रेखा चिल्ला रही है बुरी तरीके से कि हमारी कोई रक्षा करो, यहां पर हमें शेर या बंदर खा जाएंगे। जैसे ही इतनी आवाज दुर्मिलक नाम के राक्षस ने सुनी है